कानपुर देहात के कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के जिला मुख्यालय के हाईवे के पास की एक घटना, जिसमें तेज रफ्तार डीसीएम में आगे चल रहे ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। ट्रक में सवार करीब 60 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बच्चा समेत दो की मौके पर ही मौत हो गई। कई की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर पहुंची आनन-फानन में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। घटना के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। कानपुर झांसी हाईवे पर जाम हो गया। लॉकडाउन के चलते गुजरात से डीसीएम में सवार होकर घायल मजदूर लोग जा रहे थे अपने घर। बलराम जिले के रहने वाले सभी मजदूर थे। देखिए, आज सुबह ये थाना अकबरपुर क्षेत्र में एक दुर्घटना जानकारी में आई है, जिसमें कि एक डीसीएम जिसमें कि मजदूर बैठे हुए थे जो गुजरात अहमदाबाद से आ रहे थे, वो डीसीएम एक ट्रक से जाके पीछे से टकरा गई, जिसमें कि कुछ मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिसमें जानकारी मिल रही है कि दो लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अब तक सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहाँ से 6 लोगों को हायर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया है। बाकी लोगों को जो मामूली चोटें हैं उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। जैसे ही डॉक्टर इनको डिस्चार्ज करेंगे, इनको साधन के द्वारा इनके गंतव्य को भेजा जाएगा और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनका भी समुचित उपचार जिला अस्पताल और कानपुर में करवाया जा रहा है।